बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख रहे हैं एम्ब्रॉयडरी मशीन। इस एम्ब्रॉयडरी मशीन का मसला आ रहा है कि गुटका भी मसला कर रहा है, मशीन में एक हेड आवाज़ भी कर रहा है। अब हम देखेंगे कि गुटका किस वजह से मसला कर रहा है। गुटके के तमाम मसले इसी वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी इस वक्त हम इसकी केसिंग खोल देते हैं और देखते हैं कि गुटके में क्या मसला है। गुटके के बहुत सारे मसले हो सकते हैं, या तो स्प्रिंग में मसला है, या तो गुटके की बार सही नहीं है, या तो पिले आई हुई है। हम पिले तो वैसे भी निडल बार को पकड़ के ऊपर नीचे चेक कर सकते हैं, ऐसा ज़्यादा पिले आई हुई है तो नक्के ख़राब है, गुटके के गैप ज़्यादा आ गया है, घिस गया है गुटका, पिट गया है, उसका स्प्रिंग फॉल्ट कर गया है। तो ये सारे मसले हम देखेंगे, मगर गुटका हेड उतारने के बाद नज़र आएगा गुटके की असल पोजीशन क्या है। तो ये आप आसानी से समझेंगे जब ये खुलने के बाद नज़र आएगा, और जब हम एक बार पूरा हेड खोल लेंगे तो सारी चीज़ें चेक करेंगे कि केम क्या मसला कर रही है, निडल बार क्या मसला करता है, इसकी वजह से ब्रेकेज हो सकती है गुटके फॉल्ट की वजह से, टांका सही नहीं उठा सकता गुटके के फॉल्ट की वजह से, हेड में आवाज़ आ सकती है। तो अब हम देखेंगे गुटका, ये हेड खुल चुका है, अभी हम स्प्रिंग चेक करें। गुटके का स्प्रिंग ज़्यादा नरम होगा तो फिर भी गुटका रिसेप्टर नहीं कैच करेगा निडल बार को। यहाँ हम प्लेट चेक कर रहे हैं और निडल बार की प्लेट कलर चेंज प्लेट भी चेक करेंगे। कलर चेंज प्लेट सही है, गुटका भी सही है, स्प्रिंग भी सही है, मगर ये गुटका पिट चुका है तो इसका खांचा हो गया है मोटा। तो अब हम इसमें नया गुटका डालेंगे। तो नए गुटका डालने के लिए अब ये है हाई स्पीड मशीन है, तो इसके लिए हमें साइड कवर खोलना पड़ेगा। सबसे पहले हम गुटके बार की साइड से नीचे एक नट है अंदर, 2.5 की L की लगेगी यहाँ, और इसको हम लूज कर लेंगे। हाँ तो भाई ये प्लेट इसके चार नट है, चार नट लगे हुए इसमें, चारों नट खोल के इस प्लेट को बाहर निकालेंगे। इसी में जम्पसोनाइट अटैच है, तो जम्पसोनाइट का भी एक नट है वायर क्लिप क्लेम करने के लिए, तो उसको लूज करेंगे और ये चारों नट खोलेंगे। जब एक बार ये प्लेट खुल जाएगी तो हम गुटके को अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे, पूरे हेड को एक बार ही नज़र मार लेंगे। जब एक बार हेड खुल ही गया तो कोशिश करेंगे कि पूरी सर्विस कर लें, केम को भी चेक करेंगे, ड्राइविंग लीवर चेक करेंगे, गुटके की रॉड चेक करेंगे, साउंड गुटका चेक करेंगे, कलर चेंज प्लेट टूटी हुई तो नहीं है, आवाज़ करने की क्या क्या वजूहत हो सकती है ये मैं अभी आपको आगे चल के बताऊँ। ये हेड खुल चुका है, अब इसकी साइड वाली प्लेट के दो नट खोल लेंगे, एक मुँह का स्क्रू ड्राइवर लगेगा, चार स्क्रू हेड के दो ऊपर दो नीचे, साइज में फर्क हो सकता है, ऊपर वाले स्क्रू थोड़े से छोटे हो सकते हैं, अगर आपने ऊपर नीचे कर दिए तो फिर हेड जाम हो जाएगा और दूसरे मसले खड़े हो जाएंगे, तो वो प्रॉपर हेड वर्क नहीं कर पाएगा, कलर चेंज फंस जाएगा। तो स्क्रू का बहुत ख्याल करना है, छोटे बड़े स्क्रू अगर निकले तो वो देख के निकाल लें, और देख के जहाँ छोटे लगने वहाँ छोटे ही लगे और जहाँ बड़े लगने वहाँ बड़े ही लगे।
डेट खुल गई है, तो अभी सब कुछ सामने नजर आएगा आपको। गुटके में अगर पिले होगी तो गुटके को हिला के देख सकते हैं, अगर ड्राइविंग लीवर में पिले है तो ड्राइविंग लीवर देख सकते हैं। ड्राइविंग लीवर में पिले होगी तो फिर कनेक्टर पिन चेंज करनी पड़ेगी। कनेक्टर पिन चेंज करने के लिए 10 और 12 का पाना लगेगा। इंशाल्लाह वो मैं आपको अगली वीडियो में सब चीज़ें दिखा दूंगा, अभी फिलहाल सिर्फ गुटके के मसले ही चेक कर रहे हैं। ये लॉक पे 1.5 की MP लगी, 2 नट है। इसको लूज करने के बाद हम रॉड को ऊपर की तरफ पुश करेंगे और ये रॉड ऊपर से बाहर आ जाएगी। बहुत ख्याल रखना है कि गुटके की पोजीशन आप पहले ही देख लें, मेन रिसेप्रिकेटर और साउंड गुटका। साउंड गुटके की एल्बो अलग साइज की है और मेन गुटके की 2 एल्बो है। राइट साइड पे छोटी एल्बो है और लेफ्ट साइड पे बड़ी एल्बो है। जिस जिस तरीके से लगी हुई है, जिस जिस तरीके से खुलेगी, उसी उसी तरीके से वापस लगेगी। अगर ये मिक्स हो गई तो बहुत बड़ा भंड हो जाएगा। ये गुटके की प्ले चेक करें, गुटके के नीचे एक वाशर दी गई होती है, अगर वो निकाल दी जाए या वो प्रॉपर दोबारा ना लगाई जाए, गुटके में प्ले आ सकती है और प्ले आने की वजह से ब्रेकेज होगी। ब्रेकेज की वजह से धागे तोड़ेगी मशीन और प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इस चीज़ का। जब हम सर्विस करते हैं तो सारे गुटकों की स्प्रिंग वाशर और गुटकों की रॉड वाशर सब प्रॉपर वापस वैसे ही लगाए जैसे निकाले। ये साउंड गुट का हाथ में आ गया, साउंड गुटके का एल्बो लीवर बड़ा है, ये साइड में हमने रख दिया एक साथ। ये मेन गुटका है, मेन गुटके की 2 एल्बो है, ये राइट साइड पे इसको मिक्स नहीं करना, लेफ्ट साइड पे बड़ी। ये देखो ये एल्बो छोटी है ना, छोटी होती है, ये दोनों निकाल के हमने ये हमने दोनों लगा के ऐसे आपके सामने रख दिए ताकि आपको नजर आए। चले तो फिर हमने ये गुटके के पार्ट चेंज कर दिए, हमने एक नया गुटका ले लिया और अब इसको इंस्टॉल कर दिया। नया गुटका इंस्टॉल करेंगे फिर तो राइट साइड पे छोटी एल्बो लगाएंगे और गुटके को ऊपर की तरफ लगा के उसमें रॉड इंसर्ट कर देंगे। रॉड का लॉक बुश देख लें, लॉक बुश नीचे आना चाहिए, इस तरीके से ये गुटके के अंदर इन हो जाएगी और वहाँ पे रोककर हम अब साउंड गुटके के एल्बो लीवर अटैच करेंगे, इंसर्ट करेंगे और साउंड गुटके को इंसर्ट करेंगे। हमने लॉक क्लेम खोला हुआ है, साउंड गुटके के ड्राइविंग लीवर का लॉक क्लेम खोला हुआ है, लॉक क्लेम खोल के साइड में खिसकाया हुआ है, तो उसको फिलहाल अभी लूज ही रहने देंगे और साउंड गुटके को अटैच करेंगे एल्बो के साथ। एल्बो में साउंड गुटका लगा के अब गुटके की पोजीशन नीचे आएगी, एल्बो के साथ नीचे आएगी, वो ऑटोमेटिकली नीचे ही फिक्स होगा, वो ऊपर आ भी नहीं सकता। मगर मेन गुटके का आपको ख्याल रखना है कि एल्बो लगा के राइट साइड के ऊपर की तरफ ये रॉड साउंड गुटके में इन हो गई। अब हमने जो स्टॉपर ड्राइविंग लीवर का स्टॉपर लूज किया था उसको खिसका के वापस टाइट कर देंगे। सबसे पहले ये बैरिंग के नट टाइट करेंगे, 2 नट है, 1.5 की L की है। ये दोनों नट टाइट करने के बाद हम साइड से रॉड का नट टाइट करेंगे। ये रॉड का नट टाइट कर रहे हैं, ये अगर लूज रह गया तो बड़ा मसला ख़राब हो सकता है, इसको आप अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। गुटका हमने नया नहीं लगाया है,
हमने उसी गुटके की हड्डी चेंज करी है, तो वो एक अलग वीडियो में हम आपको हड्डी चेंज करने का बता देंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो उसको हम एक अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। हम इंशाल्लाह बहुत सारे मसले कवर करेंगे। आप अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको तमाम वीडियो इस पे मैं बना के अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, आगे जाके जो आप बासानी देखकर उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो जिनको भाई हजरात को शौक़ है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं। जो भी मसला आए मुझे कमेंट्स में सेंड करेंगे आप, तो मैं इंशाल्लाह उसको अपनी वीडियोस पे ज़रूर कवर करूँगा। शकील भाई नाम है भाई, पाकिस्तान कराची शाह फैसल कॉलोनी से मेरा ताल्लुक़ है, और मैं इंशाल्लाह सारे मसलों पर वीडियो बनाऊंगा। मेन मोटर के मसले, इलेक्ट्रॉनिक्स के मसले, इलेक्ट्रिकल के मसले या मैकेनिक के मसले। ये रॉड अच्छी तरीके से टाइट कर लें, क्योंकि ये हल्की सी भी अगर लूज रह गई तो बहुत बड़ा मसला बन सकता है। इस रॉड को टाइट करने के बाद अब हम स्टॉपर क्लेम ड्राइविंग लीवर का, जो हमने लूज करके ड्राइविंग लीवर को साइड में हटा दिया था, अगर हम इसको लूज करके हटाएंगे नहीं तो कभी भी हम एल्बो लीवर को निकाल नहीं सकते ड्राइविंग लीवर को। अब हम इसको वापस चिपका दें और इसको टाइट कर दें अच्छी तरीके से, कोई मसला नहीं है भाई जान। जितना मुझसे हो सकता है मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी शुरू की वीडियोज़ हैं, इंशाल्लाह 20-25 वीडियोज़ तो मैं आपको सिर्फ हेड पे बना के अपलोड कर दूँगा, फिर आपके तमाम मसले, ब्रेकेज के मसले, वो सब का सब हम कवर करें। हम अच्छी तरीके से प्ले चेक करें, यहाँ हमारी कनेक्टर पिन भी सही है और केम की भी कोई प्ले नहीं है, ना केम टूटी हुई है ना केम में कोई मसला है। अगर होता तो मैं केम भी चेंज करता, केम की वीडियो अलग, उसमें गुटका चेंज करने की इंशाल्लाह आपको आजकल में मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पर, वहाँ आप देख सकेंगे। आपको कोई भी मसला मुझे कमेंट पर बता दें, मैं उसको भी इंशाल्लाह वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूँगा। बस भाई थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोगों को, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शकील लतीफ नाम से चैनल है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये इस वक्त हमने अच्छी तरीके से टाइट करके रॉड को, बैरिंग, हेड बैरिंग को, इसके नीचे हेड एडजस्टमेंट भी है, उससे भी इंशाल्लाह मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। हेड एडजस्टमेंट का बहुत गहरा ताल्लुक है हेड की ब्रेकेज से, हेड को सेंटर लगाने से। अब हम ये प्लेट टाइट करने के बाद इंशाल्लाह हेड का सेंटर बांधेंगे। अब चूंकि प्ले नहीं रही है गुटके में, तो वो ब्रेकेज का मसला अब इंशाल्लाह मशीन में नहीं आएगा। ब्रेकेज का मसला आता है या धागा कल्टी मार देता है, मतलब है कि टांका आगे से उठा लेता और धागा उलझने लग जाता है, स्टिचिंग क्वालिटी में मसला आता है और मशीन ब्रेकेज बहुत करती है, तो इसमें हम गुटके की हड्डी चेंज कर देते तो उससे ये मसला हल हो जाता है। हो गए कि नहीं? अभी हम फाइनली इसकी प्लेट लगा रहे हैं वापस, नहीं करो यार। प्लेट लगाने के बाद अब हम हेड चढ़ाएंगे। हेड चढ़ाना तो बहुत ही आसान है, सबसे पहले हम नीचे से बैरिंग में प्लेट एडजस्ट करके और फिर ऊपर की तरफ। दो बैरिंग है, एक नीचे बैरिंग है सर्कल बैरिंग और एक ऊपर बैरिंग है प्लेट बैरिंग, जिसमें हाफ गियर रन करेंगे। तो हाफ गियर की स्लाइड है आपके ध्यान में हो कि आप सारे हाफ गियर को हाथ से ऊपर की तरफ उठा के हेड को आराम से एडजस्ट कर पाएंगे। और अगर कोई मसला आएगा तो उसका भी मैं आसान तरीका आपको एक अलग वीडियो में सही से डिस्क्राइब करूँगा। तो लगभग हम सारे नट वापस लगा रहे, जम्सो नाइट का तार वापस लगा रहे, जम्सो नाइट के तार के क्लिप आप वैसे ही लगाएं, वरना वो कलर चेंज के वक्त मशीन के बीच में आके कट सकते हैं।
तारों का बहुत ख्याल रखें। चले यहाँ पे हमारी प्लेट एडजस्ट हो गई है, अब हम हेड इंस्टॉल करेंगे। हेड पहले नीचे से बैरिंग के ऊपर रखेंगे और नीचे वाले बिल्कुल नीचे वाले बैरिंग पे, और तमाम हाथ के हाथ से ऊपर की तरफ उठा लेंगे और इसको ऊपर वाले स्लाइडिंग बैरिंग पे सारे हाथ के इस तरीके से, ये देखा ये नीचे बैरिंग पे रखा और इसको ऊपर की तरफ हल्का सा पुश करेंगे आप तो ये जाके खुद ही बैठ जाएगा, और फिर एक एक हाफ गियर को हाथ से नीचे करेंगे तो वो इस तरीके, ये देखिए ये पीछे की तरफ नहीं जा रहा अभी इस वक्त। अब जब एक एक हाफ गियर को आप थोड़ा सा नीचे से पुश करेंगे तो ये नीचे एडजस्ट हो जाए। अब इसके हेड के स्लाइडिंग स्क्रू पहले आप लगा लेंगे, क्योंकि स्लाइडिंग स्क्रूज आप हेड एडजस्ट करने से पहले ही ना बाहर की तरफ निकाल लेंगे राडों में, वरना वो अंदर घुसे तो दोबारा आपको हेड खोलना पड़ जाएगा, इस बात का भी बहुत ख्याल रखिएगा। और ये तीन की एल पी से ये स्क्रू हल्के हल्के से टाइट कर लेंगे, क्योंकि आगे जाके आपको अभी हेड का सेंटर भी भाग, तो ये चारों स्क्रूज टाइट करें तो ये आगे बढ़ते और देखिए कि अब दोबारा मशीन में ब्रेकेज या गुटके को लेके कोई मसला तो नहीं है या आवाज़ वगैरह तो नहीं कर रहा था। चले भाई अब हमारा गुटका इंस्टॉल हो चुका है, अब हमारा ये मसला अब दोबारा नहीं आएगा। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि हेड का सेंटर किस तरीके से बांधा जाता है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।